चुनावी बॉन्ड योजना के पीछे क्या थी केंद्र की मंशा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। चुनावी बॉन्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बिना धन के राजनीति पार्टी चलाना संभव नहीं है। भाजपा वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर उच्चतम न्यायालय इस मामले पर कोई और निर्देश देता है तो सभी राजनीतिक दलों को एक साथ बैठकर विचार विमर्श करने की जरूरत है। उन्होंने यह टिप्पणी शुक्रवार को गांधीनगर के पास गिफ्ट सिटी में एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की थी। चुनावी बॉन्ड को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिना धन के राजनीति पार्टी चलाना संभव नहीं है और कहा कि केंद्र में 2017 में अच्छे इरादे के साथ चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर उच्चतम न्यायालय इस मामले पर कोई और निर्देश देता है तो सभी राजनीतिक दलों को एक साथ बैठा कर विचार विमर्श करने की जरूरत है। उन्होंने यह टिप्पणी शुक्रवार को गांधीनगर के पास गिफ्ट सिटी में एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की है। कोई भी पार्टी बिना फंड के टिक नहीं सकती है। गडकरी ने चुनावी बॉन्ड के बारे में एक सवाल पर कहा, जब अरुण जेटली केंद्रीय वित्त मंत्री थे मैं चुनावी बॉन्ड के संबंध में हिस्सा था। कोई भी पार्टी संसाधनों के बिना जीवित नहीं रह सकती। कुछ देशों में सरकारें राजनीतिक दलों को धन देती है, भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार हमने राजनीतिक दलों के वित्त पोषण की इस प्रणाली को चुना है। चुनावी बॉन्ड शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या? गडकरी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये था कि राजनीतिक दलों को सीधे धन मिले, लेकिन नाम का खुलासा नहीं किया जाता क्योंकि अगर सत्ता में पार्टी बदलती है तो समस्याएं पैदा होती हैं। अगर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि जिस तरह एक मीडिया हाउस को किसी कार्यक्रम में वित्त पोषण के लिए प्रायोजक की जरूरत होती है, उसी तरह राजनीतिक दलों को भी अपना कामकाज चलाने के लिए धन की जरूरत होती है। आपको जमीनी हकीकत देखने की जरूरत है। गडकरी ने आगे कहा कि आपको जमीनी हकीकत देखने की जरूरत है। पार्टियों को चुनाव कैसे लड़ना चाहिए, हम पारदर्शिता लाने के लिए चुनावी बॉन्ड की इस प्रणाली को लाए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।